हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट जो कि स्टूडेंट को एज अ डिसएडवांटेज बताया जाता है, सो उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक एडमिशन अपडेट भी दूंगा, सो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी 1899 में और MBBS कोर्स जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2013 में। यूनिवर्सिटी में कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम MBBS कोर्स है और यूनिवर्सिटी की फीस है वो है 2,95,000 रूबल्स। यूनिवर्सिटी व्लादिवोस्तोक सिटी में लोकेटेड है, रशिया में। सो अब वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन इज रिकॉग्निशन। सो कुछ कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी ECFM रिकॉग्नाइज नहीं है, मींस आप इस यूनिवर्सिटी से MBBS करने का तब USMLE नहीं दे सकते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सिटी सभी मेजर मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज है, MCA से भी रिकॉग्नाइज थी जब MCA की लिस्ट अवेलेबल थी, और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंक मेडिकल स्कूल्स पे लिस्टेड है। और वहाँ पे आप स्पॉन्सर नोट्स पे जाते हो तो वहाँ पे ECFMG और कनाडा मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा से भी रिकॉग्नाइज है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी को ECFMG एक्रेडिशन लास्ट ईयर मिला था 2020 में, लेकिन अभी भी कुछ कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी ECFMG रिकॉग्नाइज नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यूनिवर्सिटी सभी मेजर मेडिकल काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड है और AMC ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल से और जो भी मेजर मेडिकल काउंसिल सभी से यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है। सो इस यूनिवर्सिटी से MBBS करने के बाद आप किसी भी कंट्री में वहाँ का एग्जाम देके आप वहाँ पे वर्क या फिर वहाँ पे PG कर सकते हो। नंबर टू इज फ्लाइट ड्यूरेशन। सो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी व्लादिवोस्तोक सिटी में लोकेटेड है और ये व्लादिवोस्तोक सिटी फार ईस्ट, रशिया के फार ईस्ट में लोकेटेड है, जापान साइड है, और मॉस्को से तकरीबन ये 9,000 किलोमीटर्स दूर है और एरियल डिस्टेंस अराउंड 6,400 किलोमीटर्स दूर है। सो टोटल जो ड्यूरेशन हो जाती है फ्लाइट की वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और भी जो अलग अलग राउट्स है जैसे कि थाईलैंड से या फिर जापान से अलग अलग कंट्री से जो राउट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाती है फ्लाइट्स की, ऑलमोस्ट 20 आवर्स या फिर उससे भी ज़्यादा हो जाती है कई बार। लेकिन ये कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि आपको साल में सिर्फ 2 बार ही इंडिया में आना जाना होता है। अभी आप जाएंगे सितंबर या फिर अक्टूबर में डिपेंडिंग ऑन द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कोविड, और वापस आएंगे आप नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जून या फिर जुलाई जब आपका फर्स्ट ईयर का एकेडमिक सेशन कंप्लीट हो जाएगा, और वापस जाएंगे 1 सितंबर को। सो आपको साल में सिर्फ एक बार आना और एक बार जाना ही है। थर्ड इज़ नो इंडियन मेस। सो इस यूनिवर्सिटी में कोई भी इंडियन मेस अवेलेबल नहीं है, सभी स्टूडेंट्स छह लोगों की करते हैं, मतलब खुद से खाना बनाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये प्रीफर करते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जा रहा है वहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल है ताकि उनसे खुद से खाना ना बनाना पड़े, और इस यूनिवर्सिटी में तो इंडियन मेस नहीं है तो स्टूडेंट कैसे मैनेज करेगा। लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी डिफिकल्ट वाली बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि सभी जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे सभी में अच्छी सेलकुइंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है सेलकुइंग के लिए। स्टार्टिंग में आप जाओगे तो स्टार्टिंग में इनिशियली हम आपको फूड प्रोवाइड करते हैं, ताकि जाते तो आप सेलकुइंग करने नहीं लग जाओगे, तो स्टार्टिंग में हम आपको फूड प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद आप सेलकुइंग कर सकते हो। अब सेलकुइंग डिफिकल्ट क्यों नहीं है, क्योंकि कुकिंग आप सिर्फ अकेले ही नहीं करोगे। आप देखिए सभी स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या करते हैं कि वो ग्रुप्स में कुकिंग करते हैं, कि जिसको जो आता है वो काम कर लेता है, कि किसको कुकिंग आती है तो कुकिंग कर लेता है, किसी को कटिंग आती है तो कटिंग कर लेता है, तो ऐसे वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आराम से ये सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। और कुकिंग तो एक लाइफ स्किल है जो कि आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि आप अभी MBBS के बाद आप PG करने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको सेल्फ कुकिंग ही करनी पड़ेगी। आप किसी और कंट्री में जाते हो जैसे कि आप कनाडा या फिर USA वगैरह जाते हो, तो वहाँ पे तो आपको हर जगह तो इंडियन मेस मिलनी नहीं। यहाँ पे रेस्टोरेंट तो ऑफकोर्स मिलते हैं आपको, लेकिन रेस्टोरेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आपको सेल्फ कुकिंग ही करनी होगी। और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन मेस अवेलेबल है वहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो सेल्फ कुकिंग ही करते हैं। अब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स इंडियन मेस ज्वाइन कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर से सेल्फ कुकिंग करते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो फर्स्ट ईयर से ही सेल्फ कुकिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि जो इंडियन मेस में फूड मिलता है वो सबको पसंद नहीं आता है। स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से आते हैं और सभी स्टेट्स में अलग अलग डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब किसी को कम स्पाइसेस का खाना पसंद है, किसी को किसी और टाइप का खाना पसंद है, सभी के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो सभी को वो सेम इंडियन मेस का फूड पसंद नहीं आता, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो फर्स्ट ईयर में ही सेल्फ कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है आसानी से मैनेज हो जाती है, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं फीस के बारे में। सो यूनिवर्सिटी जो ट्यूशन फीस है पर ईयर वो है 2,95,000 रूबल्स फॉर दी इंग्लिश मीडियम MBBS प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी जो हॉस्टल फीस है वो है 39,600, और यूनिवर्सिटी में 1 और 2 सीट रूम्स अवेलेबल रहते हैं। आप जो टोटल 6 ईयर्स का टोटल कैलकुलेट करते हो, क्योंकि ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और आपका मेडिकल इंश्योरेंस बनता है, मेडिकल चेकअप, वीज़ा एक्सटेंशन, वन टाइम चार्ज, आपको सब कुछ 6 ईयर्स का इंक्लूड करते हो, तो टोटल जो कॉस्ट आती है 6 ईयर्स की वो आती है आपके अराउंड 21.4 लाख समथिंग आती है। इसका मैं आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा जब हमारा फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि उसमें प्रॉपरली सारे एक्सपेंसेस मेंशन और सारे जो फीस है वो रूबल्स में और डॉलर्स में प्रॉपरली मेंशन है, तो आपको
वो चाहिए तो आप नीचे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उससे आपको अच्छे से समझ आएगी यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सो टोटल जो कॉस्ट आती है वो आती है अराउंड 21.4 लाख, और इसमें आप फूडिंग और आपकी फ़्लाइट कॉस्ट और आपकी ट्रांसपोर्टेशन और आप बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कुछ आप अगर इंक्लूड करते हो सो जो आपको टोटल बजट होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी से MBBS करने के लिए वो होना चाहिए आपका अराउंड 30 लाख। 30 लाख फॉर द कंप्लीट 6 ईयर्स, ऑफकोर्स ये ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी लाइफ स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट। नाउ कम्स दी एडमिशन अपडेट। सो मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बोला था जो कि मैंने जुलाई में अपलोड की थी कि यूनिवर्सिटी में जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है वो है 31 जुलाई, और यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन एक्सटेंड नहीं करती है, लेकिन इस ईयर यूनिवर्सिटी ने एडमिशन एक्सटेंड कर दिए है। पहले 31 जुलाई से 7 अगस्त तक एक्सटेंड हुए थे और अभी फिर से एक्सटेंड हो गए, तो अभी भी आप एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में ले सकते हो क्योंकि अभी भी यूनिवर्सिटी में सीट्स अवेलेबल है फॉर दी MBBS कोर्स। एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो गए थे, और ये एंट्रेंस एग्जाम आपके अगस्त के एंड तक चलेंगे। एंट्रेंस एग्जाम में 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और ये एंट्रेंस एग्जाम भी आपका ऑनलाइन ही होगा इंडिया से। अगर आपको कोई भी डाउट यूनिवर्सिटी के बारे में तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, अलग कंट्रीज़ के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।